हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, दिस इज मी एंकर कनिष्का गोला एंड आज की वीडियो आ चुकी है अगेन एंकरिंग टिप्स के ऊपर। सो एंकरिंग टिप्स में आज मैं बात करने वाली हूँ एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक। यस, ये वो टॉपिक है जिसमें मैंने एक वर्कशॉप भी करी थी, जिसमें सारे लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था उनको बहुत ज़्यादा हेल्प रही थी उस वर्कशॉप से। सो आज मैं वो वर्कशॉप के ही सारे सीक्रेट पॉइंट्स इसके अंदर बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो पहला टॉपिक, मतलब हमारा जो टॉपिक है दैट वी आर फॉलोइंग, कि हाउ यू गोना डील विद द स्टेज फियर। स्टेज फियर क्या होता है, यानी कि स्टेज फियर लोगों ने ना बात बना रखी है कि स्टेज फियर स्टेज पे कोई भूत वूत दिखता नहीं है ना, ऐसा भी नहीं होता। स्टेज फियर एक है ना, एक जेनेटिक थिंग भी नहीं बोल सकते हम। स्टेज फियर एक ऐसी है जो बातों बातों में फैली है। अच्छा, किसी एक को हमने देखा स्टेज पे, इसके हाथ पैर कांप गए, तो वी ऑलरेडी गेटिंग दैट थिंग, इसको स्टेज फियर होता है। अच्छा, मुझे भी स्टेज फियर होता है। हम लोग है ना, वी आर इंडियंस, हम लोगों को आदत भी है कि उसको सर में दर्द हुआ तो हम इसको देख कर सर में दर्द हो जाता है, वो सामने वाला यॉनिंग कर रहा होता है हमें भी यॉनिंग आने लगती है। तो स्टेज फियर इज सिंपल लाइक दैट। सो वॉट यू हैव टू डू, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस स्टेज फियर, कि स्टेज फियर क्या होता है। मैं ऑलवेज लिटरली आई ऑब्जर्व दैट थिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं था, आई कैन नॉट से दिस इज द स्टेज फियर। मैं हमेशा ये फॉलो करती थी कि स्टेज पे जाने के बाद में मेरे साथ क्या होता है कि वो एक कॉन्फिडेंस की कमी बोल सकते हैं, सेल्फ बिलीफ की कमी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसे चीजें हमें फेस करने का मौका मिलता है। लाइक वी आर हैविंग दी शिवरिंग हैंड्स, शिवरिंग लेग्स, हमारे आवाज लड़खड़ा जाती है, बोलते हुए हम एकदम से भूल जाते हैं। हम सोचा हुआ तो बहुत कुछ होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बट जब हमारी बारी आती है हमें बोलने की, तब हम क्या होते हैं, वैनिश्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, है ना। ये आप सबके साथ भी होता होगा। तो अगर ये सब भी होता है ना, तो जस्ट बी इन दिस वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे आपको इसको ठीक करना है। पहली बात, तो पहली चीज आपको ये फोकस करना है कि स्टेज फियर नाम की कोई चीज नहीं होती है। यस, यू नो व्हाट, दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो स्टेज फियर के नाम पे आप जितनी बुक्स लिख दोगे, जितनी चीजें लिख दोगे, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट पॉइंट। बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि स्टेज फियर जैसी कोई चीज़ नहीं है। स्टेज फियर की चीज़ तो हमने बना रखी है, वो स्टेज का फियर नहीं है, वो हमारा फियर है, वो हमें डर लगता है। और स्टेज कोई एंजाइटी, अगर आप गूगल पर सर्च करने लगे इसके बारे में, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स अबाउट इट। वो बीमारी का नाम दे देते हैं। भाई, हमें कोई बीमारी बीमारी नहीं है, सिंपल बात है ना, बीमारी नहीं है। तो बीमारी मत समझो इसको, इसको एक ईजिएस्ट फॉर्म में साथ बात करो कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे अंदर एक चीज है। बिकॉज जब हमें कंटेंट नहीं पता या फिर हम लोग हैबिचुअल नहीं है इस चीज के, तो ऐसा हो जाता है। समटाइम्स ये सबके साथ होता है, इट्स नॉट समथिंग लाइक फॉर यू ओनली, कि आपके साथ ही हुआ है, ये सबके साथ हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कंटेंट भी पता है, वो जल्दी जल्दी में बोल देते हैं, जल्दी जल्दी में हुआ है ये चीजें। मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी है, बहुत से लोगों की चीज देखी है, उनको कंटेंट तो पता होता है बट दे आर डिलीवरिंग वेरी फास्ट। क्या फायदा उस फास्ट बोलने का जब तक दूसरे पर्सन को समझ ना आए। सो व्हाट यू हैव टू डू ऑन दैट टाइम, कि पहले तो बिलीव करो अपने अंदर, विश्वास लाओ कि मैं जैसी हूँ जैसा हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं अपने अंदर से एक बेस्ट क्रिएशन हूँ एंड मैं आज जो कुछ बोलने वाला हूँ वो सब कुछ अच्छा होगा। चाहे मैं गड़बड़ कर दूँ बट मैं अपना मोरल नहीं डाउन करूंगा, चाहे मेरे पीछे दुनिया हंसे मैं तब भी नहीं सोचूंगा, चाहे मुझे कोई कितना भी कुछ क्रिटिसाइज क्यों ना करे मैं तब भी रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं अपने अंदर जो विश्वास लेकर जा रहा हूँ, मैं अपने अंदर जो चीजें प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, मैं उसे डिलीवर सच में करूंगा। यू हैव टू फॉलो फर्स्ट स्टेप। अच्छा, दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेप हम सेल्फ बिलीव आ जाता है। अब स्टेज फियर के अंदर एक और चीज कनेक्टेड होती है सेल्फ बिलीफ पे। अगर हमने बोल दिया कि डर हटा दिया हमने, अब डर हट गया, अब हमें धीरे धीरे चीजें इंप्रूव करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट ये डालनी है कि हमें स्टार्टिंग करनी है अच्छी बुक्स को रीड करने की, गेटिंग द पॉजिटिव नोट्स जगह से, हर जगह से ना पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। अच्छा, ऐसा मत देखो कि यार मैंने तो लास्ट टाइम ऐसा बोला था और सब लोग हंस रहे थे, अब की बार मैं बोलूंगा तो क्या होगा। नो, डोंट थिंक अबाउट इट। लास्ट को छोड़ दो, अब की बार मत सोचो। अब की बार क्या सोचोगे कि आप जो भी कर रहे हो ना, पहले तो पॉजिटिविटी के साथ रहो, बहुत रिक्वायर्ड है आज की डेट में। मैंने देखा है लोगों को बहुत रिक्वायर्ड है एक पॉजिटिव नोट की। टीचर्स भी कई बार तो टीचर्स है ना डरा देती है बच्चों को, तुम्हें ऐसा करना है ऐसा करना है, यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू फॉलो दिस। नो, जस्ट काम डाउन बेटा, काम डाउन, आराम से शांति तरीके से एक चीज सोचो कि स्टेज पे डिलीवरी करने जा रहे हो, जंग वंग नहीं लड़ने जा रहे हो, कोई मार थोड़ी देगा तुम्हें, गोली से उड़ा देगा क्या, ये भी नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू ऑन दैट टाइम, यू हैव टू जस्ट फोकस वन थिंग, स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिव।
आपको पॉजिटिविटी में, सेल्फ बिलीफ के साथ में, डर हटाने के बाद में आपको पॉजिटिव नोट के साथ में खुद से बात करनी है दैट मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी करने वाला हूँ, दैट इज श्योरली गोना रॉकिंग. सो ये स्टेप फॉलो करोगे, आई एम श्योरली गोना से दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट. पॉजिटिव टॉक इज रियली नीडेड. अच्छा, नाउ लेट्स मी बिगिन यू. मैं आपको एक थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे लेकर चलती हूँ, जो नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी रिक्वायर्ड एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दो. सो हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ दिस इज रिक्वायर्ड दो. पॉजिटिविटी के बाद में, सेल्फ बिलीफ के बाद में आती है बारी अब अपने ऊपर काम करने की. अब इंसान घबराता तब भी है जब उसे एक लैंग्वेज नहीं आती है, हिंदी इंग्लिश में घबराहट होती है, या फिर आती है बट डिलीवर नहीं कर पाते हैं, है ना. तो मैं इसको बताती हूँ तरीका क्या है. अब तुम्हें अगर नहीं आती तो पहले नहीं आने का तरीका सुन लो. हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो जस्ट डू वन थिंग, ग्रैब एनी बुक, एनी हिंदी और इंग्लिश की बुक ले लो, उठा लो, कोई सी भी उठा लो और सबसे छोटी से स्टार्ट कर लो, पतली वाली से स्टार्ट कर लो, जो सबसे लाइट हो उसको स्टार्ट करना शुरू कर दो पढ़ना. पढ़ो 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 और है ना, उसको एक तरीके से पढ़ना है, उसको पागलों के तरीके से पढ़ना है. पागल, हाँ, सुनकर हंसी आ रही होगी ना कि मैं कैसी बातें करने लग गई हूँ आजकल. तो मैं आपको सही बात बता रही हूँ, हमें पागल बनना है, हमें समझदार नहीं बनना. हमें ह्यूमर तो रखना है, सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा रखना है, बट जब हमें लर्न कर रहे हो तो लर्न हमेशा बच्चों के तरीके से, लर्न कर रहे हो तो हमेशा पागलों के तरीके से. बिकॉज इफ यू हैविंग एनी लॉट ऑफ एनी क्वेश्चन, सर्च इट आंसर इट, सर्च इट आंसर इट, ऐसा होना चाहिए. तो कैसे पागलों की तरह पढ़ना है, एनी हिंदी इंग्लिश बुक गेटिंग एंड यस स्टार्ट रीडिंग लाउड. तेज तेज पढ़ना है, तेज तेज पढ़ना है. तेज तेज पढ़ने का मतलब कैसे, कि आप ऐसे ऐसे इतना भी नहीं कि मतलब गला फाड़कर, आपकी वॉइस नोट तेज होना चाहिए. बिकॉज वेन एवर योर वॉइस नोट इज हाई, जब आपकी आवाज थोड़ी लाउडनेस पे आएगी, ये पॉइंट कवर करेगी ना, तब आपका वोकल कॉर्ड ओपन होगा, आपके अंदर से जो दिल में झिझक हो रही है ना शब्दों को निकालने में, वो हटेगी, सच में हटेगी. ट्रस्ट मी, ये फॉलो करके देखना, दिस विल श्योरली गोना हेल्प यू. आई कैन सी अ लॉट ऑफ बॉयज, आई कैन सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो इतने बड़े बड़े होकर दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर IAS, IPS एंड अदर एनी गवर्नमेंट थिंग्स, बट दे आर नॉट इवन एबल टू स्पीक. रीजन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है. दे आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट, यस वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट वो अपने ऊपर जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं. तो मैं आपको वो वाली बुक रीडिंग की नहीं बात कर रही हूँ कि प्लीज टेक अ बुक एंड एक कोने में बैठ जाओ, नो. तो बुक रीडिंग ऐसी करनी है कि जिसमें आपको अंदर से फील आना चाहिए, मतलब लाइक लगना चाहिए कि आज तो मैंने किताब पढ़ी है, चाहे दो पन्ने पढ़ो, सिंपल एज दैट. हिंदी इंग्लिश का लाउड एंड आपका पिच जो होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए, मतलब एक शब्द को स्ट्रेस लेकर पढ़ो. जैसे एक है, लहरों से डर की नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन में उसके साहस रगों में विश्वास भरता है, चढ़ के गिरना गिर करना चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. This is something how you wanna read it. अच्छा, मैंने तो इसको एक प्रेजेंटेबल वे में सुनाया था आपको, बट आपको क्या करना है, आपको इसको एक लाउडनेस के साथ पढ़ना है. कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, लाउडनेस के साथ पढ़ो. ये स्टेप फॉलो करोगे, श्योरली आपका ये स्टेज फियर तो खत्म हो ही जाएगा. अच्छा, अब उसके बाद आती है स्टेज फियर में, जब हमने लैंग्वेज पे वर्क कर लिया, लैंग्वेज भी आ गई, कॉन्टेंट भी आ गया. कॉन्टेंट को प्रैक्टिस नोट पे जरूर ले लेना, याद से बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि मेरे लिए भी. एवरीवन, जो भी स्टेज पे जाने से पहले, चाहे 1000 बार हो, पर ऐसा नहीं करना कि आपके हाथ में पेपर, पेपर को रीडिंग 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 करने लगो, नो. और कॉन्टेंट्स की स्क्रिप्ट जो भी पढ़ रहे हो उसको रट्टाफिकेशन नहीं करना, डोंट एवर डू दी रट्टाफिकेशन. हमने स्कूल में बहुत करा है, जस्ट गेटिंग द गुड मार्क्स, हाँ, सिर्फ एक नंबर लाने के लिए करते हैं. नंबर लाने वाला फॉर्मूला नहीं करना हमें, सिर्फ हमें क्या फॉलो करना है, हमें करना है कि उसको हमें थरली रीड करना है, चाहे 10 बार करना पड़े, चाहे 100 बार करना पड़े, रीड इट एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने आप ऑलरेडी मेमोराइज हो जाएगा. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, लाइक ओके मैंने आज पढ़ा, ये पढ़ा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, नो नो नो, सिंपल एज दैट. आपको इस तरीके से करना एंड दिस विल श्योरली गोना हेल्प यू. ओके, मैं लास्ट टॉपिक पे लेकर चलती हूँ आपको, कि लास्ट कैसे है, आपको वर्क करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे. अच्छा, अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं हुई थी जिसके अंदर मैंने अपनी एक्चुअल स्टैंडिंग पोजीशन में वीडियो बनाई होगी, जिसमें मैंने अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाया होगा. सो मैं आपको बॉडी लैंग्वेज दिखाती हूँ अपना, ठीक है. तो अभी कैसे करना है, आपको स्टैंड होना है, जब मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे ना उसी के साथ में करना है, ठीक है. स्टैंड होना है, आपके शोल्डर्स बैक होने चाहिए, चेस्ट आउट होनी चाहिए, आपका चिन इतना होना चाहिए, मिड ऑफ द पॉइंट होना चाहिए. एंड यस, व्हाइल यू आर स्पीकिंग,
आपके हाथ आपकी पॉकेट्स में नहीं होने चाहिए, वेदर यू आर गर्ल और बॉय. ठीक है, यू आर वेयरिंग पैंट सूट वट एवर इज इट. ठीक है, डोंट फॉलो दिस थिंग. यू आर द स्पीकर, यू आर नॉट अ पर्सन जो वहां पे अपनी सिर्फ बात को रखने आए हो. नो, आप स्पीकर हो, आपको सबका अटेंशन चाहिए. यू आर द सेंट्रल ऑफ द स्टेज अट्रैक्शन, आप स्टेज का अट्रैक्शन हो. तो आप जेब में हाथ डालकर, क्योंकि विच इज अ नेगेटिव पोस्चर, तो आपको ऐसा नहीं करना. कीप मूविंग योर हैंड्स, कीप मूविंग योर हैंड्स. सो व्हाइल आई एम टॉकिंग यू मस्ट बी सीइंग कि मेरी एवरी वीडियो में या मेरी कोई भी एंकरिंग वीडियो भी देख लोगे ना, यू विल सी कि मेरे हैंड्स ऑलवेज मूव करते हैं. बट ज्यादा मूव करना भी गलत है. When you are doing the a lot of movement, तो वो भी गलत हो जाता है. तो don't do that thing, a lot of movement. Just do one thing, little bit. But posture के साथ में, posture should be straight, okay? हल्का सा back से tilt, पीछे से like this, okay? And chest out, ठीक है? This is how you wanna do it. Shoulders back. आपका ऐसा लगना चाहिए कि आप जिसको भी face करने वाले हो, which means आपका आप अपने आप को present कर रहे हो, ठीक है? No matter what you are wearing. No matter, you are wearing sari, you are wearing suit, you are wearing suits, or you are wearing shirt pant, or you are wearing anything, ठीक है? No matter, the matter is that how you are carrying yourself. First is this. So, follow these steps, and I am surely gonna say it, if आप ये सारे steps को है ना, everyday follow करोगे, अपनी life में, day-to-day life में एक-एक step को add करते चले जाओगे ना, and when you are trying to make this lifestyle, ऐसा नहीं करना उसको कि मैंने बताया तो आज कनिष्का मैडम ने बोला था कि इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे कर लेना. नहीं, ऐसा नहीं करना. आपका सच में दिल है सीखने का तो ही इसको स्टार्ट करना इम्प्लीमेंट. क्योंकि इंडस्ट्री में एंकर्स आते तो बहुत है और जाते भी बहुत है. तो इफ यू वॉन्ट टू मेक इट लॉन्ग टर्म ना, कुछ लॉन्ग टर्म रखना है आपको. तो लॉन्ग टर्म रखने के लिए क्या करना है आपको, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए. कंसिस्टेंसी फॉलो करना. Try to talk positive with yourself, accept yourself, believe in yourself that you gonna nailed it, you gonna do it. किसी की टेंशन मत लो. ऑन स्टेज पे कोई भूत भूत नहीं होता, कोई जंग नहीं लड़ने जाते हैं. कुछ खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ठीक कर लेंगे. टेक इट इजी, लाइट एंड टेक अ डीप ब्रेथ. वेल, आई एम वेरी मच श्योर दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस, एंड आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल करने वाली है. और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहे ना तो प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताना. कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप पे कंफ्यूज हो, जो आपको लगता है कि इस पे वीडियो होनी चाहिए, मुझे इसके बारे में नॉलेज चाहिए, सो प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर डाल देना. इधर मेरा मेल आईडी मैं मेंशन कर रही हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रही हूँ. मेरी वर्कशॉप होने वाली है नेक्स्ट टाइम पे, तो मेरी वर्कशॉप में जरूर पार्टिसिपेट करना. एंड प्रॉबेबली वो वर्कशॉप फ्री होगी, तो जो फ्री वर्कशॉप्स है प्लीज पार्टिसिपेट करें. ट्राई टू एंड प्लीज अपनी चीजें शेयर करें, बिकॉज अनलेस एंड टिल अपनी चीजें अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट इम्प्रूव इट. सो वेल, आई एम वेरी मच श्योर दिस वीडियो शॉर्ली गोना हेल्प यू. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून.